नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट नाइन लाइफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सोनाली फोगाट केस में मुख्य आरोपी पर्सनल असिस्टेंट सुधीर सांगवान की। बता दें, सुधीर सांगवान इस वक्त गोवा पुलिस की रिमांड में है। बीते 8 सितंबर को सुधीर सांगवान और इस मामले में उनका साथ देने वाले सुखविंदर सिंह की गोवा के मापसा कोर्ट में पेशी हुई थी, जिस पर गोवा के मापसा कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए एक बार फिर से पुलिस रिमांड में भेजने का फैसला सुनाया। बता दें, मापसा कोर्ट ने सुधीर सांगवान और सुखविंदर सिंह को पुलिस रिमांड के लिए 2 दिन फिर से यहां पर भेज दिया है पुलिस रिमांड में। कोर्ट ने सुधीर सांगवान और सुखविंदर सिंह को पहली बार 10 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेजा था, जिसके बाद 2 और दिन के लिए फिर से हिरासत में भेजा, जिसके बाद कुल 12 दिन पुलिस रिमांड में रहे हैं ये दोनों आरोपी। अब बता दें कि इस मामले में बीती 8 सितंबर को एक बार फिर से गोवा के कोर्ट में ये दोनों आरोपी पेश हुए, जिसके बाद गोवा कोर्ट ने एक बार फिर से 2 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में दोनों आरोपियों को भेजने का फैसला सुनाया है। बता दें कि पुलिस ने मापसा कोर्ट से आरोपियों को 2 और दिनों के लिए पुलिस रिमांड में बढ़ाने की मांग की। कोर्ट ने पुलिस की मांग को स्वीकार कर लिया और पुलिस रिमांड को बढ़ाने पर फैसला भी दे दिया, जिसके बाद अब इस मामले में पुलिस का गुस्सा, परिवार का गुस्सा फूटता हुआ दिखाई दे रहा है। बता दें कि मांग करते हुए गोवा पुलिस ने कहा कि एक टीम हरियाणा से कुछ दस्तावेजों को लेकर बीते बुधवार ही लौटी है, जिसके बारे में सुधीर सांगवान से पूछताछ की जानी है। गौरतलब है, बीते 23 अगस्त को सोनाली फोगाट की गोवा के कर्लिज क्लब में उनका निधन हो गया था, जिसके बाद से ही ये गुत्थी सुलझती हुई नहीं दिखाई दे रही है। और अब जिस तरह से एक बार फिर से गोवा के कोर्ट ने रिमांड बढ़ाने का फैसला सुनाया है, इस पर अब परिवार का गुस्सा फूटता हुआ दिखाई दे रहा है। बीते 14 दिनों से यहां पर जिस तरह से दोनों आरोपी गोवा पुलिस के रिमांड में है, लेकिन फैसला कोई नहीं आ रहा। गोवा पुलिस ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि रिमांड में पूछताछ में क्या निकल करके सामने आया है और ये पूरा केस आखिरकार कितना सक्सेसफुल होता हुआ दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि अब परिवार लगातार इस मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। और एक बार फिर से जिस तरह से गोवा कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 2 दिन के लिए फिर से पुलिस कस्टडी में भेज दिया है, इसके बाद तो अब परिवार का गुस्सा पूरी तरह से फूटता हुआ दिखाई दे रहा है गोवा सरकार और गोवा पुलिस के खिलाफ। अब इस पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। ऐसी ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइफ। नमस्कार।